चलिए कुछ डिटरमिनेंट का एग्जांपल सब देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है एक्स वन टू टू थ्री फोर माइनस वन जीरो इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसमें एक्स की वैल्यू निकालना है, सॉल्व करो एक्स यानी एक्स की वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट में जो बताए हैं, अगर एक्स को छोटा डिटरमिनेंट, ये डिले ये डिले, मतलब ये वन डिले और ये टू डिले, जो बचेगा थ्री फोर जीरो माइनस वन के साथ छोटू डिटरमिनेंट, ये डिले और ये डिले टू फोर माइनस वन टू प्लस में टू के साथ ये डिले ये डिले टू थ्री माइनस वन जीरो इक्वल टू जीरो एक्स इसको इसको सिक्स माइनस जीरो इसको इसको मल्टीप्लाई इसको इसको घटा देते मल्टीप्लाई करके माइनस वन इसको इसको मल्टीप्लाई फोर और इसको इसको मल्टीप्लाई माइनस फोर घटाने के प्लस फोर बन जाएगा प्लस टू इसको इसको मल्टीप्लाई जीरो इसको इसको मल्टीप्लाई माइनस थ्री बट घटाने पर प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। तो ये सिक्स एक्स हो गया, सॉल्व करने को छ और एक्स छ एक्स, ये चार चार आठ माइनस वन के साथ तो माइनस आठ और ये थ्री सॉल्व करके और ये सिक्स इक्वल टू जीरो। तो सिक्स एक्स माइनस इसको इसको तो माइनस टू इक्वल टू जीरो सिक्स एक्स इक्वल टू टू एक्स इक्वल टू टू बाई सिक्स मतलब वन बाय थ्री, ये आंसर बन गया, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में जैसे वन जीरो जीरो टू थ्री फाइव वन टू। अब यहां से इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी दिखे देखने को मिलेगा, तो डिटरमिनेंट में अगर दो जीरो कहीं दिखे चाहे रो में या कॉलम में तो उसको एक्सपेंडिंग करते जो कैलकुलेशन आसान बन जाएगा। मतलब जैसे अगर आर वन को एक्सपेंड करते हैं तो वन छोटा डिटरमिनेंट, ये डिलीट ये डिलीट थ्री फाइव टू जीरो माइनस के साथ जीरो छोटा डिटरमिनेंट जो भी इसमें मारा है मतलब टू फाइव वन जीरो ये डिलीट होगा ये डिलीट टू फाइव वन जीरो प्लस के साथ जीरो छोटा डिटरमिनेंट ये डिलीट टू थ्री वन टू। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो जीरो ही आएगा क्योंकि इसको 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 जो भी नंबर आए जीरो आए तो जीरो ही बनाएगा, जो भी नंबर थे इसको और इसको लेना नहीं उठना बनता है मतलब जीरो ही दिख रहा है। जब ये जीरो और जीरो मल्टीप्लाई तो जीरो ही दिख रहा है, इसको इसको मल्टीप्लाई करने का जीरो इसको इसको मल्टीप्लाई करने पर जीरो इसको इसको माइनस टेन, तो ये आपको माइनस टेन आंसर। कुछ इसका पार्ट जो आप नोट करके जैसे मैं अगर वन जीरो जीरो यहां पर जो भी एलिमेंट देखने को मिलेगा तो आप ये और ये डिलीट हो जाएगा और चार एलिमेंट लेगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलिए दूसरा दूसरा नोट क्या है, अगर यहां जो कुछ एलिमेंट है स्टार का मतलब कुछ एलिमेंट है जीरो वन सॉरी जीरो स्टार का मतलब कुछ एलिमेंट है तो मतलब इसको यहाँ जीरो बस इसके साथ लेंगे माइनस ये देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस वन के साथ मतलब ये डिलीट वन इसके सामने कॉलम डिलीट और ये डिलीट है मतलब ये स्टार ये स्टार बचे। तो दो जीरो पे तो डिटरमिनेंट कैलकुलेशन बहुत आसान बन जाता है, ठीक है। चलिए तो ये सब था अगला। अब जैसे मैं इसके अंदर कुछ सिखा देते हैं, जैसे कुछ एलिमेंट बस इसको एक्सपेंड करें इसके साथ तो दोनों जीरो तो इसको एक्सपेंड करिए डिलीट ये डिलीट तो वन के साथ यानी वन के साथ छोटा डिटरमिनेंट ये चार एलिमेंट
अगर यहाँ वन नहीं होकर के टू हो तो यहाँ टू बन जाएगा। और साइन स्क्रीन का तो पता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो जब ये जो जीरो दिखे एनवायरनमेंट में दो जीरो या एक जीरो तो उसको लेना आसान बन जाता है। अब जैसे दो जीरो पे दिखा एक जीरो पे, एक जीरो पे जैसे स्टार एलिमेंट है, यहाँ एलिमेंट है और यहाँ जीरो दे दिए, वन दे दिए, टू दे दिए, वही चीज प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस। तो प्लस वन के साथ छोटा डिटरमिनेंट और माइनस टू के साथ छोटा डिटरमिनेंट, इसको तो जीरो ही बनाएगा। तो प्लस वन के साथ ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट मतलब ये स्टार ये स्टार ये स्टार ये स्टार, माइनस टू माइनस प्लस माइनस माइनस टू के साथ ये डिलीट ये डिलीट, ये स्टार ये स्टार ये स्टार ये स्टार, मतलब इसके पास एलिमेंट रहेगा। ठीक है, तो ये सब था। अब जैसे मैं अगला नोट देखते हैं, जैसे मैं वन 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 यहां पर कोई एलिमेंट, यहां भी कोई एलिमेंट, अगर इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो वन वन दिख रहा है तो मतलब रो में वन वन दिख रहा है, तो इसको एक्सपेंड करेंगे सी वन टेंस टू सी वन माइनस सी टू, सी टू टेंस टू सी टू माइनस सी थ्री। अब यहां से सी वन कोऑपरेट कर रहे तो मतलब ये कैसा ऑपरेशन हो रहा है, सी वन में से सी टू, तो इसमें से इसमें घट जाएगा वन में से वन जीरो। अब ये स्टार और ये स्टार मतलब इस एलिमेंट में से इस एलिमेंट घट जाए तो कोई नया एलिमेंट आया होगा, स्टार तो लड़की के देते हैं, इस एलिमेंट में से इस एलिमेंट घट जाएगा तो यहाँ पर कोई नया एलिमेंट आएगा। अब सी टू सी टू माइनस सी थ्री मतलब सी टू में से सी थ्री यानी इसमें से भी घट जाएगा और ऑपरेशन होगा सी टू, तो वन में से वन गया तो जीरो, इस एलिमेंट में से इस एलिमेंट घटेगा तो कोई नया एलिमेंट, इस एलिमेंट से इस एलिमेंट कोई भी नया एलिमेंट और वन स्टार एलिमेंट। अब यहाँ से देखिए इस टाइप का आपको पीछे बता चुके हैं, मतलब इस पर प्लस माइनस प्लस वन के साथ छोटा डिटरमिनेंट ये डिले ये डिले, तो नया एलिमेंट ये और ये। ठीक है, ये इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये अच्छा लॉजिक है। अब सेकेंड लॉजिक, ये तो रो में दिखा दिया, मान के चलिए कुलम में होगा, ये सब कुलम में, जब कुलम में हुआ तो कुलम में कैसे ऑपरेशन करेंगे, तो दो एलिमेंट को जीरो बना देंगे, दो एलिमेंट जीरो कौन सा आर वन आर टू आर थ्री, इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, तो यहां पर लिखेंगे आर वन टेंस टू आर वन माइनस आर टू टेंस टू आर टू माइनस आर थ्री। चलिए आर वन का ऑपरेशन करें तो आर वन माइनस आर टू, ये तो ये आर वन ये आर टू, वन माइनस वन गया तो जीरो, ये एलिमेंट में से ये एलिमेंट स्टार का मतलब कोई एलिमेंट हुआ तो होगा कुछ नया एलिमेंट घटा देंगे, जो आया एलिमेंट इस एलिमेंट से इस एलिमेंट हो सकता है स्टार कर देते वही नया एलिमेंट। अब आर टू टेंस टू आर टू माइनस आर थ्री, इसमें से इसको करेंगे तो जीरो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और आर थ्री जैसे वैसे। अब यहां से जीरो जीरो वन, तो इसका छोटू डिटरमिनेंट बनेगा वन, छोटू डिटरमिनेंट बनेगा मतलब वन के साथ ये डिलीट और ये डिलीट, तो ये चारों एलिमेंट बनेगा। जैसे क्वेश्चन इस पे देखते हैं तो किस टाइप का क्वेश्चन, अगर रो में वन वन दिखे तो कुलम को ऑपरेट करते हैं, कुलम में वन 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 दिखता है तो रो को ऑपरेट करते हैं। तो अब यहाँ से ये क्वेश्चन है, जैसे कुलम में यानी रो में वन वन दिख रहा है तो कुलम को ऑपरेट करेंगे, दो एलिमेंट को जीरो बनाएंगे तो आर वन टेंस टू आर वन माइनस आर टू, आर टू टेंस टू आर टू माइनस आर थ्री, सॉरी रो में था ना, तो रो में था तो कुलम ऑपरेटर ऑपरेशन होगा, सी वन टेंस टू सी वन माइनस सी टू, C2 tends to C2 minus C3, C1 tends to C1 minus C2, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो जीरो ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर, C2 tends to C2 minus C3, तो इसको इसको घटाएंगे तो जीरो बी माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वन सी सी स्क्वायर।
अब यहाँ से छोटा डिजिट में इसके साथ जीरो, इसके साथ जीरो, मतलब ये डिजिट, ये डिजिट, तो ये चार एलिमेंट बचेगा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब दो ऑर्डर का डिजिट में इसको इसको मल्टीप्लाई, इसको इसको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट, तो ए माइनस बी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी माइनस सी, ये दोनों, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से ए माइनस बी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को बी माइनस सी, बी प्लस सी लिखेंगे, बी माइनस सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब यहाँ से ये ए माइनस बी और ए माइनस बी कॉमन है, बी माइनस सी, बी माइनस सी कॉमन है, क्या बचा इसमें, बी प्लस सी, इसमें क्या बचा, ए प्लस बी, तो पीछे माइनस है तो दोनों निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस ए माइनस बी, माइनस में प्लस में कैंसिल, ये माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ये आपका आंसर बन गया। जीरो वन, तो इसका छोटो डिटरमिनेंट बनेगा वन।